तो दोस्तों आज हम आपको अपने गांव में ले जाएंगे, गांव के अंदर का जो सीन है उसे बताएंगे। तो अभी तो हम फिलहाल जो गांव के बाहर टिकट्टा है उस पर खड़े हैं, तो चलिए हम अंदर चलते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. चलते हैं। और दोस्तों हम अपने गांव के जो अंदर है वह पहुंच चुके हैं, और यह गली है जो दूसरी तरफ चलती है। तो चलिए हम अभी फ़िलहाल मेन जो गली है उस साइड जाते हैं। और ये थोड़ा और अंदर का नज़ारा है, और यहां पर जो देवता बैठे हैं वह आपको दिख ही रहे होंगे। और इस प्रकार से हमारे गांव में जो घर हैं बने हुए हैं, और ये हमारे दोस्त का जो अभी मेरे साथ है उसका मकान है, और आगे इसके आगे बहुत बड़ा ग्राउंड है। और दोस्तों ये हमारे गांव का जो स्कूल है वह स्कूल है सरकारी स्कूल, और ये हमारे गांव का सबसे बड़ा ग्राउंड है, और ग्राउंड के बीच में बीच ये वॉलीबॉल ग्राउंड भी बना हुआ है, और उस साइड भी एक और स्कूल है उस साइड। और यही वो मेरा मित्र है कि जो अंडे की दुकान किए हुए हैं, देख सकते हैं स्कूल के बाजू में ही अंडे की दुकान रखा है, और देख सकते हैं बहुत सारे अंडे हैं यहाँ पर। और दोस्तों देख सकते हैं कि अभी हम अंडे की दुकान पर हैं, तो यहाँ पर आमलेट भी बनता है, और अंडे जो उबले हुए देते हैं वही भी मिलते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग हैं वह यहाँ पर आकर लेते भी हैं। और ये हमारे गांव की घनी बस्ती है, यहाँ पर अभी सुबह टाइम में बरसात हुई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा पानी भर चुका है। और ये शिव शंकर जी का चबूतरा है, और यहीं पर जो पीपल का पेड़ है वह लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हमारे गांव में जो बड़ा सा तालाब है, तो अभी हम उसी के पास हैं। आप देख सकते हैं कि तालाब तो काफ़ी बड़ा है, और उसके लिए यहां पर तीन घाट बने हुए हैं। तो ये फर्स्ट वाला घाट है, और यहाँ पर जो तालाब का दूसरा घाट है वह बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो व्यू है वह और मस्त लग रहा है। अभी ये दूसरा घाट है, और अभी हम गए थे तो वहाँ पर पहला घाट है। और चलिए तो अभी हम इधर हो जाते हैं। तो गांव तो हालांकि बहुत बड़ा है, तो छोटी छोटी कटों में हम आपको बता देते हैं। और अभी हम जो गांव के अंदर है शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, और अभी जो हमारा जो तालाब है वह गांव के बीचों बीच है, सेंटर में है, तो हम अभी शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको और आगे ले चलते हैं। देख सकते हैं इतनी छोटी छोटी जो रास्ता है यहां पर हैं, तो यहीं से हम जाते हैं। और देख सकते हैं कि यह हमारे गांव का जो अभी मेन रास्ता है उस पर आ चुके हैं, और ये हमारे गांव की हालांकि सबसे बड़ी दुकान है, तो हम लोग कुछ भी सामान लेने आते हैं तो यहीं से आते हैं। और देख सकते हैं कि अभी हम लोग यहां इस रास्ते से आए थे, तो यहां से चक्कर लगा के निकल गए थे, और शॉर्टकट रास्ता लेके यहाँ पर आ चुके हैं।
हमारा गांव यहां तो छोटा है लेकिन और आगे इससे बड़ा भी है। और यहां से दो रास्ते जाते हैं, तो ये रास्ता तो हालांकि छोटा सा है लेकिन ये वाला रास्ता है जो और आगे की तरफ चलता है, तो हम आगे की ओर जाते हैं। और जो तालाब है वह यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ से भी तालाब का जो व्यू है बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम उस वो वाला घाट है उस पर थे, तो अभी हम शॉर्टकट रास्ता लेके चक्कर लगा के यहाँ से आ चुके हैं। तो गाइज हम उस स्थान पर पहुंची गए जहां पर हमारी जो नौ रात्रों में 9 दिन जो देवी बैठती हैं वो दोस्तों यहीं पर बैठती हैं 9 दिन के लिए। और यहां पर इतनी सजावट होती है कि आपको क्या बताएं। जब नवरात्र दिन आएंगे तो हम आपको यहां का सीन और बताएंगे। अभी तो हमारे गांव में बहुत सारी बरसात हुई थी, तो इसी कारण से पानी हर जगह जो है वो थोड़ा थोड़ा सा भरा हुआ है। और दोस्तों ये हमारे गांव का जो मंदिर है वह है, और आप बाहर से इसका तो सीन देख ही रहे होंगे। ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो हमारा यहां पर इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों हमने अपना जो गांव है पूरा तो आपको बता ही दिया है, और आपको मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। तो चलिए अभी के लिए तो हम यह व्लॉग है जो बाय बाय करते हैं।